अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ, तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप ओप्पो F7 में लॉन्चर को चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लॉन्चर कैसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ओप्पो F7 में सेटिंग्स भी दिए हैं इस बार कि कैसे आप इंस्टेंटली कोई भी लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने चेंज किया हुआ है लॉन्चर को। ये है माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्चर, बहुत ही अच्छा लॉन्चर है, आप ट्राई भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे आप इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियसली सेटिंग्स, यहाँ पर जो सेटिंग्स है आप सेटिंग्स पर जाइए। तो जस्ट आप स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट है, तो ऐप मैनेजमेंट पर एक बार टैप करना है आपको। यहाँ पर ऊपर देखिए, सबसे पहला डिफ़ॉल्ट ऐप मैनेजमेंट, जी हाँ यहाँ पर आपको जो भी हो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस का सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फोटोस ओपन करने के लिए आप कोई थर्ड पार्टी लॉन्चर या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो, यहाँ से आप उसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। देखिए जैसे कि गूगल फोटोस को डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, ना कि यहाँ ओप्पो का डिफ़ॉल्ट फोटो गैलरी जो है वो हटा सकते हैं आप, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन करके लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, तो यहाँ से चेंज होता है जो भी लॉन्चर चेंज करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को, यहाँ से आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सिस्टम लॉन्चर है, अभी मैंने दो लॉन्चर्स इंस्टॉल किए हैं, नोवा लॉन्चर, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, तो अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को सेट किया हूँ। तो क्या होता है कि अगर आप रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से वो सिस्टम लॉन्चर पर चला जाएगा। कोई बात नहीं, आप जस्ट यहाँ पर सेटिंग्स, दो स्टेप ही है, सेटिंग्स पर जाके ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे तो होम स्क्रीन का आएगा, यहाँ से आप कोई भी लॉन्चर हो वो चेंज होम स्क्रीन करके टैप करेंगे। तो ऐसे अभी देखिए नोवा लॉन्चर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, तो ऐसे आप लॉन्चर को चेंज कर सकते हैं इंस्टेंटली डिफ़ॉल्ट। देखिए होम स्क्रीन पर टैप करता हूँ तो भी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, तो ऐसे आप लॉन्चर को चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बताऊंगा, देखिए जस्ट सेटिंग्स पर जाना है आपको, सेटिंग्स पर जाते ही ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजमेंट में डिफ़ॉल्ट ऐप मैनेजमेंट, तो यहाँ से होम स्क्रीन है, नोवा लॉन्चर, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम लॉन्चर, जो कोई भी हो वो जस्ट टैप कर दीजिए, इंस्टेंटली आपका डिफ़ॉल्ट लॉन्चर वही हो गया है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, इजी लगा अंडरस्टैंड होने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बने रहिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए मैं इस चैनल पर, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।